इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि सॉलिड की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं तो आज हम इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कर रहे हैं हमारे जो सॉलिड्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के सॉलिड जो होते हैं उन सब की कंडक्टिविटी अलग अलग होती है जो हमारी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है वो वेरी करती है किसके बीच में टेन डेज टू पावर माइनस ट्वेंटी मीटर इनवर्स 2 10 रे टू पावर सेवन ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक ये इसकी रेंज होती है यानी एज लो एज ये कितनी हो सकती है 10 रे टू पावर माइनस 20 टू 10 रे टू पावर सेवन एज लो एज तो ये जो हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है सॉलिड्स की ये डिफरेंट टाइप से शो की जाती हैं जो कि आप जानते हो एक होते हैं कंडक्टर एक होते हैं इंसुलेटर एंड थर्ड वन इज सेमी कंडक्टर तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंडक्टर से आप जैसे ही मैंने नाम लिया कंडक्टर इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर आपको ऑलरेडी पता लग गया होगा क्योंकि आप पहले भी ये चीजें पढ़ चुके है कंडक्टर क्या होते हैं इंसुलेटर्स क्या होते हैं और सेमी कंडक्टर क्या होते हैं चलिए आज इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं सबसे पहली बात होती है कंडक्टर अगर आपसे कोई पूछता है कि कंडक्टर क्या होते हैं तो आप क्या आंसर दोगे ऑब्वियसली कंडक्टर जो इजिली कंडक्ट कर जाते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है। तो क्या होता है जो कंडक्टर होता है सॉलिड जो सॉलिड फॉर्म में होता है ये जो सॉलिड्स होते हैं उनकी जो इनकी जो कंडक्टिविटी की रेंज होती है वो टेन डेज टू पावर फोर से टेन टू पावर सेवन ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की होती है और उन्हें कहते हैं कंडक्टर नॉर्मल जो हमने सेकंड डेफिनेशन फर्स्ट जो आपकी थी सेकंड आप ये बोल सकते हो ये क्या होते हैं कंडक्टर्स क्या होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करते हैं ऑब्वियसली जो मेटल होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो टेन टू पावर सेवन ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है तो बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी यानी उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बेस्ट होती है वो इजली कंडक्ट करते हैं तो अगर इनको फर्दर क्लासीफाई करें कंडक्टर्स को तो ये फिर से हम इसे क्लासीफाई करते हैं दो तरह से इसे क्लासीफाई करते हैं एक होते हैं मेटेलिक एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स ठीक है मेटेलिक कंडक्टर्स इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हमने क्या किया है कंडक्टर को फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया मेटेलिक कंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से इसमें कोई भी सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करती है कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं आते मेटल में उसे बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स ठीक है मेटेलिक कंडक्टर्स जो कंडक्ट करते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से जिसमें कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं होते जो कंडक्टिविटी होती है मेटल की वो डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे ठीक है बैलेंस जो वैलेंस पेंट होते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं पर एटम में जैसे कि NaCl सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड ये क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, मेटेलिक कंडक्टर्स जो सिर्फ जो किसकी वजह से होते हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं होते लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जैसे कि एन जो सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड इसमें क्या है कि जब एन और पोटेशियम क्लोराइड के होते हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती करंट फ्लो नहीं करता जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं लेकिन मान लीजिए अगर ये लिक्विड स्टेट में हम इन्हें कर दें यानी हम इन्हें डिजोल्व कर दें तो ये क्या हो इनमें आयंस बन जाते हैं एन क्या होगा एन पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है जिसकी वजह से उसमें करंट फ्लो होता है यानी केमिकल चेंजेस हुए तब करंट फ्लो हुआ तो ये डिफरेंस होता है मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में अब देखिए जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो होते हैं ये एक तो होती है बैलेंस बैंड जो कि कंप्लीटली फिल्ड होती है दूसरी होती है एम्पटी कंडक्शन बैंड जो कंडक्शन बैंड होती है वो एम्पटी होती है जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड से आसानी से मूव कर ऑब्वियसली वो कंडक्टर हैं अब ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अब ये क्या ओवरलैपिंग भी होती है इनमें यानी कि ये तो हमारी वैलेंस फील्ड है वैलेंस बैंड है और ये जो है हमारी कंडक्शन बैंड है जो कि एम्पटी कंडक्शन बैंड लेकिन कि ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं जहां पे ये ओवरलैप कर रही हैं इसको जो पोर्शन होगा इसे बैंड ओवरलैप बोल क्या बोलते हैं बैंड ओवरलैप ये तो हो गए हमारे कंडक्टर्स हम दो तरह कंडक्टर्स किए हैं याद रखना मेटालिक इलेक्ट्रोलाइट मेटालिक कंडक्टर जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से होते हैं कोई केमिकल चेंजेस नहीं होते और जो इलेक्ट्रोलाइट है केमिकल चेंजेस होते हैं जैसे एन सॉलिड में करंट फ्लो नहीं होगा लेकिन उसे अगर डिजोल्व कर देना तो आयंस बन जाते हैं तब करंट फ्लो होता है नेक्स्ट होते हैं हमारे इंसुलेटर्स इंसुलेटर्स क्या होते हैं सिंपल आपके लैंग्वेज में क्या करें बोलें? आपके लैंग्वेज में अगर मैं बोलती हूं तो इंसुलेटर्स वो होते हैं जो कंडक्ट नहीं करते वुड रबड़ प्लास्टिक क्योंकि क्यों कंडक्ट नहीं करते क्योंकि उनके बीच का जो गैप होता है एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाते कंडक्शन बैंड में सिंपल इतना सा हम अपने माइंड में रखते हैं लेकिन इस फॉर्म में आप जब थोड़ा एक्सटेंड कीजिए इसे तो इंसुलेटर वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी रेंज 10 रे टू पावर -20 से 10 रे टू पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है वो होते हैं इंसुलेटर्स इनकी रेंज इनके बीच में होती है और ऑब्वियसली एग्जांपल तो वही रहेंगे कि वुड रबर प्लास्टिक फॉस्फोरस, सल्फर ये सारे इंसुलेटर्स होते हैं इंसुलेटर्स की सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन है अब देखिए इंसुलेटर्स में क्या होगा इंसुलेटर्स में जो बैलेंस बैंड होती है और कंडक्शन बैंड होती है उनका एनर्जी गैप इतना ज्यादा होता है लार्ज एनर्जी गैप होता है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव जंप नहीं कर पाते इस वजह से इन्हें इंसुलेटर्स कहते हैं नेक्स्ट होते हैं सेमी कंडक्टर्स सेमी कंडक्टर्स वो होते हैं जिनकी रेंज अगर नॉर्मल फॉर्म में सेमी कंडक्टर्स वो होते हैं जो क्या होता है कंडक्ट नहीं करते लेकिन अगर उसमें एक्सटर्नल सप्लाई दे दी जाए तो वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं वो होते हैं सेमी कंडक्टर्स देखिए सेमी कंडक्टर्स की जो रेंज होती है वो होती है टेन डेज टू पावर माइनस सिक्स से टेन टू पावर फोर इनवर्स मीटर इनवर्स की वो होते हैं हमारे सेमी कंडक्टर्स अब देखिए ये तो हो गए हमारे कंडक्टर्स इंसुलेटर्स और सेमी कंडक्टर्स अब इसमें जो होते हैं इसमें जैसे कि हमने किया था सेमीकंडक्टर्स कंडक्टर्स में बैलेंस फील्ड जो वैलेंस बैंड होती है वो फील्ड होती है और कंडक्शन बैंड जो होती है वो एम्पटी होती है इस पे जो एनर्जी गैप होता है वो थोड़ा कम होता है लेकिन यानी कि वैसे तो ये कंडक्ट नहीं करेंगे वैसे इसमें कोई कंडक्शन नहीं होगी लगन को लेकिन कोई अगर एक्सटर्नल सप्लाई दे दी जाए तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में और तब कंडक्शन हो जाती है ये होते हैं सेमी कंडक्टर्स अब हमने इसकी पूरी प्रॉपर्टीज की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की सॉलिड की इंसुलेटर कंडक्टर सेमीकंडक्टर अब इसमें बैंड थ्योरी देख लेते हैं मेटल्स की कि वो क्या होती है देखिए जो मेटल्स होते हैं उसमें मेटल्स में जो उनकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल होती है मेटल एटम्स की उनका एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है तो ये क्या होते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं जो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं एंड एनर्जी जो होती है ना क्लोज होती है और उस टाइम पे एक सेट ऑफ मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनता है जिसे कि बैंड कहते हैं जैसे कि जज हमारे पास है ये है वैलेंस बैंड ये है कंडक्शन बैंड तो वैलेंस बैंड जो कि होगी आ, जो हमारी कंप्लीटली फिल्ड होती है जैसे कि 2s बैंड है 2s बैंड जो कि वैलेंस बैंड है जो कंडक्शन बैंड है वो 2p बैंड है जो कंडक्शन बैंड है अब इसके बीच में क्या होता है ये ओवरलैप कर लेते हैं ये जो ओवरलैपिंग होती है ना के मोस के से मोस करते हैं हम तो ये ये क्या रिप्रेजेंट करता है ये तो हमारा होता है एनमोस मोस एनर्जी लेवल तो ये हमारा कंडक्शन बैंड होता है जिसे थ्री एनमोस मोस एनर्जी लेवल यानी थ्री एन एनर्जी लेवल कहते हैं और बीच में जो बनती है ये होती है हमारी बैंड जो कि ओवरलैप करती है इसे बोलते हैं बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स अब यहाँ पे अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी यानी कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है किसी भी मेटल की उसका टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सबसे पहले मेटल के बारे में बात करते हैं जो किसी भी मेटल की जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है क्यों ऐसा क्यों होता है मैंने कहा है कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मेटल की डिक्रीज होती है अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है क्योंकि जब हम उसे हीट करते हैं तो जो पॉजिटिव आयंस होते हैं मेटल के वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं और एक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें सेमीकंडक्टर्स के केस में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करता है जंप करते हैं कंडक्शन पैट में क्योंकि हमने क्या किया है सेमी को एक्सटर्नल सप्लाई दी है जिससे कि इलेक्ट्रॉन जम्प करें और जैसे कि हमारा अगर हम सेमीकंडक्टर्स होते हैं जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम ये जो होते हैं इंटरसिक सेमीकंडक्टर होते हैं जी इंट्रेंसिक मतलब प्योर फॉर्म प्योर फॉर्म जिन्हें बोलते हैं प्योर फॉर्म जिसमें कोई इंप्योरिटी नहीं होती कोई डॉपिंग नहीं होती उन्हें बोलते हैं इंटरसिक सेमी और जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होती है सिलिकॉन और जर्मेनियम की वो सिमिलर होती है क्योंकि वे इंट्रिंसिक होते हैं नेक्स्ट है कि जो कंडक्टिविटी होती है कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में देखिए इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की बा, बात कर रहे हैं तो इसके केस में क्या होगा कि वैसे तो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी क्या होती है लो होती है कम होती है क्योंकि क्यों क्योंकि वो प्योर फॉर्म में होते हैं आपस में ही कंबाइन होकर एक पर्टिकुलर स्टेबल स्टेट बना लेते हैं इस वजह से इनकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी लो होती है लेकिन अगर हम उनमें डोपिंग कर देते हैं ना डोपिंग मतलब कि कोई और चीज बाहर से उसमें ऐड कर देना कोई और चीज डोपिंग कर देते हैं ऐड कर देते हैं तो उससे उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है या फिर इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी ऐड कर दो या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी ऐड कर दो अगर आपको इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो हमने एक टॉपिक किया था जो कि हमने मेटल डिफेक्ट्स किए थे इम्प्योरिटी थे इम्प्योरिटी डिफेक्ट में हमने इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी की थी कि वो क्या होती है अगर एक बार और ओवरव्यू दे देती हूँ जो भी हमारे ग्रुप्स होते हैं अब देखिए ग्रुप फोर्टीन में ग्रुप फोर्टीन में अगर ग्रुप फिफ्टीन या ग्रुप थर्टीन के एलिमेंट डाल दिए जाए ग्रुप फोर्टीन जो कि सिलिकॉन जर्मेनियम तो इनमें अगर कोई ग्रुप या 14 के, uh, 13 या 15 के के एलिमेंट डाल दिए जाए तो डॉपिंग हो जाएगी जिससे या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट आ जाता है होल बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ती है ये आप हमारे जो हमने लास्ट uh, टॉपिक किया था इसी का ही मेटल के डिफेक्ट्स में किया था वो आप देख सकते हो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में टॉपिक का नाम है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट अब देखिए इनकी एप्लीकेशन क्या होती है n टाइप और पी टाइप सेमी कंडक्टर की सबसे पहले जो डायोड है उसमें इनका यूज किया जाता है डायोड में क्या होता है p जंक्शन और n जंक्शन का कॉम्बिनेशन होता है p एन टाइप टाइप सेमीकंडक्टर का जो कि एज और रेक्टिफायर यूज किए जाते हैं

कि ऑडियो सिग्नल्स में इसका यूज किया जाता है एम्पलीफायर्स में इसका यूज किया जाता है नेक्स्ट होते हैं गैली कंडक्टर जो कि बहुत फास्ट रिस्पॉन्स करते हैं और ये एक अच्छा सेमी कंडक्टर डिवाइस होते हैं डिजाइन होते हैं तो ये जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ज्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू